बात करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा में। ऐश्वर्या के एजेंडा से दर्शकों, विपक्ष नरेंद्र मोदी की फॉरेन विजिट्स पे, विदेशी जो विदेश यात्राएं होती हैं, पर्सनल ट्रिप नहीं होती, कई और नेताओं की तरह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर द्विपक्षीय यात्राएं, जिसके अंदर भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रिया, या भारत और कोई भी और देश जहां प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहां की बात हो, उन दोनों देशों के रिलेशनशिप की बात हो। लेकिन विपक्ष कांग्रेस से लेके असदुद्दीन ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी से लेके अरविंद केजरीवाल की पार्टी तक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है और आज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोबारा चार्जशीट दायर की उसकी और जानकारियां आई हैं, तो लगता है कुछ और दिन हो सकता है और बिताने पड़े उनको। लेकिन जो सवाल विपक्ष हमेशा उठाता है, ओवैसी साहब ने अभी अभी कुछ क्षण पहले सवाल उठाया है प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट पे, मैं पूछ रहा हूं ये किसी पर्सनल नेता की पर्सनल स्पा वाली या पर्सनल रिलैक्सेशन वाली ट्रिप नहीं है, है ना? इन विपक्ष के नेताओं से, भारत के विपक्ष के नेताओं से तो यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि मोदी को गले क्यों लगते हैं, और मैं पैर छूने वाले देश के नेताओं की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पुतिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार घंटे एट अ प्राइवेट आउटहाउस भारत के प्रधानमंत्री के साथ समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट भारत इज। भारत इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। हां, मैं मानता हूं कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो कि विपक्ष को उठाने चाहिए और ज्यादा ताकत से उठाने चाहिए, उन विषयों की भी बात करूंगा। महंगाई, नौकरी, सरकार के वादे, लेकिन मुझे बताइए और पूछता है भारत, आपका क्या तात्पर्य है? भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक विजिट, द्विपक्षीय वार्ता के ऊपर सवाल उठाने का आप मुझे बताइए, क्या औचित्य है इसका? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री किसी और देश के नेता से मिले नहीं, भारत के प्रधानमंत्री चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो जाए नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को अगर किसी और देश का नेता गले लगाकर मिलता है तो भारत के विपक्षी नेताओं से बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों पूछता है भारत? फॉर अ सेकेंड, आप अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को इंटरनल नहीं रहने दे सकते, आपको उनको एक्सटर्नल करना है, और बहुत जरूरी है आपके लिए उनको एक्सटर्नल करना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक तरफ मोदी की फॉरेन विजिट का विषय जिसपे विपक्ष पूरी तरह से मेरे हिसाब से गलत है, संपूर्णतः कंप्लीटली दे आर रॉन्ग, एब्सोल्यूटली सवाल उठाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ आज एक मुद्दा है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो इस फॉरेन विजिट से बिल्कुल अलग है, विजुअल चेंज शर्मा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, और मैं जब बोल रहा हूं विजुअल्स ऑफ नहीं है तो फुल फ्रेम में, थैंक यू शर्मा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं 2014 से पहले, अगर मेरे को सही याद आ रहा है 11 या 12 की बात है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, आज की तारीख में वो बाबा की सरकार में कृषि मंत्री। विपक्ष ये मुद्दा उठाता है, मुझे समझ आता है कि सूर्य प्रताप शाही को दाल के रेट नहीं पता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं अरे ये होगा वो होगा, आप पूछिए, आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए सूर्य प्रताप शाही को, बोलिए आप कैसे कृषि मंत्री हैं, आपको सवाल नहीं पता, आप मुद्दा तो सही चुनिए। आपके पास सूर्य प्रताप शाही के विजुअल्स नहीं होंगे शर्मा, क्योंकि जो मेरी टीम है दे आर वेरी वीक, वो कर नहीं रही इसको। सूर्य प्रताप शाही के विजुअल्स इस समय ऑनर होने चाहिए, क्योंकि बात बाबा की नहीं है, बात सूर्य प्रताप शाही की, बात कृषि मंत्री की, और विपक्ष को पूरा मौका मिलता है, विपक्ष को पूरा मौका मिल जाता है बाबा के ऊपर छीटाकशी करने का, योगी आदित्यनाथ के ऊपर छीटाकशी करने का, क्योंकि क्या जरूरत थी पूछता, आप बताइए। वही विपक्ष जो मोदी के अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय वार्ता के ऊपर सवाल उठाने में पूरी तरह गलत है, वही विपक्ष जब सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछता है तो ही इज राइट,
वो विपक्ष बिल्कुल ठीक है। आप कैसे कृषि मंत्री हैं कि आपको दाल का प्राइस नहीं पता? आप कैसे कृषि मंत्री? अब तो विपक्ष बोलेगा आपको ना दाल, ना आटा, ना चावल, ना गेहूं, ना ज्वार, ना बाजरा, किसी का आपको रेट ही नहीं पता, तो आप कैसे कृषि मंत्री? देखिए विपक्ष का काम क्या है दर्शक, विपक्ष का काम है सरकार को कंट्रोल में रखना। ये आपको हो सकता है साउंड करने में या आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। सत्ता पक्ष को कंट्रोल में रखना, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष को समय पड़ने पर दिशा दिखाना, सत्ता पक्ष को समय पड़ने पर बताना कि आप यहां लाइन पार कर रहे हैं और यहां आप गलत कर रहे हैं, यह काम है विपक्ष का। इसीलिए मैं कह रहा हूं सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछना कि आपको क्यों नहीं पता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह कहना एक तरफ यह कहना कि मुसलमान डरा हुआ है, एक तरफ यह कहना कि जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से मुसलमान डरा हुआ है, यह गलत है। यह आप एक नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे हैं और उतना ही गलत है प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाना। मैं कह रहा हूं आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी विपक्षी नेता के पर्सनल विजिट्स को देश के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल विजिट से, देयर इज नो कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं है। समझिए आप, जब मोदी जाते हैं तो भारत जाता है, जब विपक्ष के नेता जाते हैं, अगर वो आधिकारिक विजिट है, जो होती है, लेकिन सवाल आधिकारिक विजिट्स पर नहीं होता है, सवाल होता है पर्सनल विजिट्स पर कि आप इलेक्शन को छोड़ के पर्सनल विजिट पर चले गए। मैं विपक्षी नेताओं की बात कर रहा हूं और विपक्ष तुलना कर देता है एक मिनट में कि देखो प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो एक नहीं दो नहीं दस दस देश घुमाते हैं 10 महीने में, वो आधिकारिक विजिट से, दोज आर ऑफिशियल विजिट्स। आपको अगर विजिट पे नहीं इस पे सवाल उठाना है कि व्हाट डिड यू अचीव अनंत विजय जी, तो मैं मानता हूं ठीक है, सवाल कर सकते हैं आप कि क्या आपने अचीव किया और क्या नहीं, कि प्रधानमंत्री मोदी इतने देश गए, आपने क्या अचीव किया क्या नहीं, ये एक पक्ष है उसका। और विपक्ष दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक है जब वो सूर्य प्रताप शाही जैसे नेताओं से सवाल पूछते हैं कि आप कृषि मंत्री का आपको ओहदा दिया है, आपके पास जिम्मेदारी है, सरकार ऑलरेडी दबाव में है, कोई माने ना माने सरकार दबाव में है। उत्तर प्रदेश की 24 के रिजल्ट के बाद आत्ममंथन चल रहा है। मैं नहीं कह रहा आत्ममंथन में क्या निकल के आया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से नहीं, जब कागज होगा मैं तब बताऊंगा इंटरनल रिपोर्ट के मुकाबले। लेकिन एक कृषि मंत्री का इतना एरोगेंस और ये बोल देना हाँ होगा कुछ ऐसा वैसा, क्या है 100 रुपये, पता नहीं आपको? क्यों नहीं पता? आपके पास पूरा महकमा है, आपको बाबा ने पूरा महकमा दे के रखा, किस लिए? फॉर योर पर्सनल विम्स एंड फैंसीज? नो।